अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसजी किचन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह की करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है क्रिस्पी मटन पकौड़ा। ये रेसिपी ऐसी है कि छोटे बड़े सब इसे पसंद करेंगे। अमूमन देखा जाता है कि बच्चे जो हैं गोश्त लाइक नहीं करते, तो ये स्पेशल बच्चों के लिए ये रेसिपी है कि बच्चे भी गोश्त को खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1 kg मटन लिया है बोनलेस। इसके छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1/2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 tablespoon कुटी लाल मिर्च, 1 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon लहसुन पाउडर, 1/2 tablespoon पेपरिका पाउडर, 1 tablespoon सिरका ऐड करेंगे, 1 tablespoon सोया सॉस, 2 glass इसमें पानी के ऐड कर देंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। 1/2 tablespoon इसमें नमक ऐड करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे इतनी देर के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे कि ये अच्छे से गल जाए। मैक्सिमम इसे 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट के बाद मिलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी भी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, 2 tablespoon मैदा ऐड करेंगे। अब इसे हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा और अंडा लगाने के बाद अब हम इन्हें ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरह से और फ्राई करते जाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इस तरह हम 1 by 1 इनको घी में ऐड करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी मटन पकौड़ा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े के ये बने हैं, करंची से ये पकौड़े तैयार हुए हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर से ये क्रंची हैं, अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है। बहुत ही मज़े के ये बने हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।